खबर रेवाड़ी से है, जहां खोल थाना क्षेत्र से लापता हुई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने 16 महीने बाद बरामद किया है। उसे अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 10 अक्टूबर 2020 को एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। वहीं परिजनों ने गांव में जेसीबी चालक राहुल पर अपहरण करने का आरोप लगाया था और लव जिहाद का मामला दर्ज करवाया था। बाद में पता चला कि अल्पसंख्यक समुदाय का रिजवान निवासी गांव पपड़वास फिरोजपुर झिरका अपनी पहचान छिपा राहुल बनाकर गांव में रह रहा था। उसने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ भी की थी। दोनों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। और साथ ही आपको बताते चले कि उसने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। दोनों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई और आरोपी राहुल उर्फ रिजवान को गुजरात के सूरत शहर से पकड़ लिया गया। उसे पुलिस रिमांड पर भी ले लिया, लेकिन उसे लड़की बरामद नहीं हो पाई थी। वही लड़की ने बताया कि उसे घर से चली गई थी, जो उसके पड़ोस में ट्रक वो जेसीबी एक लड़का जेसीबी चलाता था, उससे वो छेड़छाड़ करता था। उस दिन उसको छेड़छाड़ करते हुए परिवार वालों ने देख लिया, उसने उस लड़के को डांटा, उस लड़की को डांटा। लड़की वहाँ से घर से निकल गई थी। निकलने के बाद वो वहाँ से चल के पालड़ा गांव में किसी के खेत में रुक गई और उसके बाद उनके साथ बाहर चली गई। उन्होंने उसके साथ फिर शादी कर ली लड़की के साथ। अब वो लड़की उस अपने जिनके साथ रहती थी उनके साथ ही थी। परसों उसने किसी को मैसेज किया भी मैं यहाँ पे हूँ, पहचान लिया।